So students, in this class we are going to discuss the mechanism of infectious processes. तार अर्थ कौन हो ना जो प्रोसेस रे गोटे नॉर्मल बॉडी भीतर को इन्फेक्शन हुए से प्रोसेस को हमें डिस्कस करिबा एवं यही इन्फेक्टियस प्रोसेस टा केतेटा स्टेज देगी ही थे बोली कि हमें कहूँ फर्स्ट ला एंट्री इनटू द होस्ट कौन एंट्री करिबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवटा कौन करिबो गोटे नॉर्मल होस्ट को एंट्री करिबो सेकंड है एडहेरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट सेल एठी कौन हम ना गोटे पर्टिकुलर जगह को पहुँचव कौ जगह को पहुँचव ना गोटे नॉर्मल बॉडी रो कौ जगह को पहुँची पारे गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टा इजीली ग्रो करपर ताक आम कौ एडहेरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट नेक्स्ट है इन्वेशन ऑफ द होस्ट कौन हम ये इनवेशन हम नेक्स्ट है प्रोपागेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोपागेशन आम जनरली कौ मल्टीप्लाय हम कौटी मल्टीप्लाय हम ना निर्दिष्ट जो जगार पहुँची से जगार जाकि माइक्रो ऑर्गेनिज्मटा कौन कर मल्टीप्लाय करें कौ प्रोपागेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं लास्ट को कौन हम डैमेज टू द होस्ट जो होस्ट भीतर को पशिचे से होस्ट को कौन कर डैमेज कर जो फास्ट प्रोसेस कौ कौन एंट्री इनटू द होस्ट कौन कर से होस्ट भीतर को एंट्री कर तो इतने कही फास्ट स्टेप ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस द इज द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द होस्ट बाय वन ऑफ सेवरल पोर्ट्स आम जानू गोटे नॉर्मल बॉडी भितर बहुत गुड़े रास्ता अच्छी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री पाई तो ये कौन है एंट्री ऑफ होस्ट रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट होस्ट भीतर को एंट्री कर भाया कौ कौ रास्ता देखिए एंट्री कर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो पारे श्वास नली हो पारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो पारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो पारे एवं स्किन हो पारे एमानंक द्वारा कौन हेले प्रवेश करदी कट है पंक्चर्ड है और बर्न है तेबे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टा गोटे टारगेट सेल को एंट्री करी पारे एवं गोटे नॉर्मल बॉडी को कौन कर अटैक कर वन्स एंट्री इज अचीव्ड द पाथोजेन मस्ट ओवरकम डाइवर्स होस्ट इम्यून सिस्टम बिफोर इट कैन एस्टाब्लीश इट सेल्फ तो ये कौन हम से गोटे नॉर्मल बॉडी को एंट्री कर सारा से कौन कर डायरेक्ट होस्ट रो इम्यूनिटी सिस्टम को कौन कर डाइवर्स कर डिवर्स डाइवर्स कर मैंने कौन इम्यूनिटी सिस्टम को विक कर विक हेले कौन हम केते गुड़े प्रोसेस देखा मिले फर्स्ट है कौन फेगोसाइटोसिस द्वारा हो पारे एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ स्टोमक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट द्वारा हो पारे वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स फाउंड इन द सलाइवा स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तो यही जो प्रक्रिया गुड़ी आम कहले प्रक्रिया द्वारा कौन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टा गोटे नॉर्मल बॉडी को एंट्री करुच्ची यहाँ आम कहल एंट्री इनटू द होस्ट नेक्स्ट है एडहेरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट सेल ये कौन वेरियस बैक्टीरिया फॉलो डिफरेंट मेकानिज्म टू द एडहेयर और अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल ये कौन कर होस्ट सेल रे जाकि एडहेरेंस मैंने आम कौ जेनराली अटैचमेंट क्या सागर अटैच हम होस्ट सेल सागर आसिकी अटैच हम कि आसो वेरियस बैक्टीरिया जदि बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फॉलो डिफरेंट मेकानिज्म टू एडहेयर टू सरफेस ऑफ द होस्ट सेल यही जो आम कहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट कौन कला एंट्री कला एंट्री कर सारापर अटैच हम अटैच मैंने कौन जोड़ी क्या सागर जोड़ी हम होस्ट सेल सागर जोड़ी हम फॉर एग्जांपल आम नहींचु इश्चर्जिया कोलाई जोटा इ कोलाई बोल कि कौ यूज पिली इ कोलाई बैक्टीरिया कौन करुँ पिली को यूज करवहार करुँ व्यवहार कर सारापर ए पिली रे होस्ट बॉडी से कौन करुँ अटैच होकर रोचे इन ईच केस एडहेरेंस एनहांस वायरुलेंस बाय प्रिवेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय म्यूकस और वॉश्ड फ्रॉम द ऑर्गन्स विथ सिग्निफिकेंट फ्लूइड फ्लो सच एज यूरिनरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो ये कौन है ना होस्ट संगे अटैच होगा वायरुलेंस आरंभ हम वायरुलेंस है गोटे इम्पोर्टेंट वर्ड आम कौ वायरुलेंस मैंने कौन
गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी भीतर को एंट्री कर सारा से जो प्रक्रिय कौन करे इन्फेक्शन आरंभ करे कौन वायरुलेंस तो फास्ट कौन है एंट्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तापर अटैचमेंट है अटैचमेंट हो सारापुर कौन हम वायरुलेंस हम एवं वायरुलेंस हो सारापुर इन्फेक्शन आरंभ हम एवं वायरुलेंस क्या क्या द्वारा हो फ्लुइड फ्लो जो आम शरीर कौन हो लिक्विड पदार्थ गुड़िक प्रवाहित होती हो यूरिनरी ट्रैक्ट जो आम अच्छी इन्फेक्शन हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अच्छी कौन हो इन्फेक्शन देखा मिलूँ ये कौन एडहेरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट सेल। नेक्स्ट अच्छी थर्ड पॉइंट रे कौन ना इन्वेशन ऑफ द होस्ट एवं इन्वेशन ऑफ द होस्ट माने हमें कौन जानी इन्वेशन माने इन्वेशन ऑफ द होस्ट माने होची इन्वेसिव बैक्टीरिया आर दोज दैट कैन एंटर द होस्ट सेल और पेनिट्रेट द म्यूकोसल सरफेस स्प्रेडिंग फ्रॉम द इनिशियल साइड ऑफ द इन्फेक्शन। तो गोटे यहाँ हूँ गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिय कौन हो माइक्रो ऑर्गेनिज्मटा कौन करुच्ची स्प्रेडिंग करुच्ची कौन डिजीजटा किंबा इन्फेक्शन स्प्रेड करुच्ची प्रथम थर पर आम कौ इन्वेशन ऑफ द होस्ट फास्ट कौन कला एंट्री ऑफ द होस्ट होस्ट भितर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कला सेकंड अटैचमेंट कला थर्ड इन्वेशन कर इन्वेशन माने कौन इनिशिएशन कर कहार इनिशिएशन कर इन्फेक्शन इनिशिएशन करिबो जो थे इन्फेक्शन कौन हम आरंभ हम एवं इन्वेसिवनेस इज फैसिलिटेड बाय सेवरल बैक्टीरियल एंजाइम्स यही इन्वेसिवनेस किंबा इन्फेक्शन क्या द्वारा होली कहि केते गुड़े सेवरल बैक्टीरियल एंजाइम्स मानक द्वारा कौन हो इन्फेक्शन आरंभ हो एंड मोस्ट नोटेबल ऑफ व्हिच आर कोलाजेंस कोलाजिनेज एंड हाई हायलुरोनिडेज तो ये मानक द्वारा कौन हो इन्वेशन ऑफ द होस्ट संपादन हो। नेक्स्ट है कौन प्रोपागेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोपागेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने हमें कौन बुझुचु वंस द पाथोजन हैज एंटर द होस्ट विल स्टार्ट टू प्रोपागेट तो जनरली हमें प्रोपागेट माने कही परबा मल्टीप्लाई हबो तो कौन मल्टीप्लाई हबो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भीतर को आसिला आसी सारा पर कौन हम मल्टीप्लिकेशन हबो ताहा को हमें कहूँ प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन माध्यम रे ऑर्गेनिज्म गोटे बॉडी भीतर को आसी सारा पर से कौन हम मल्टीप्लाई हबो तो पाथोजन एंट्री कला एंट्री कर सारा पर दे गेट प्रोपागेट आरंभ हेबे कौन मल्टीप्लाई हबार आरंभ हेबे एवं वेरी फास्ट रेट रे से माने कौन करिवे तांकर नंबर वृद्धि घटेबे इनक्रीज इन नंबर तापर कौन हम इन्फेक्शन आरंभ हबो एंड डैमेज टू द होस्ट सेल लास्ट स्टेज है कौन डैमेज टू द होस्ट सेल एवं ये कौन कर होस्ट को डैमेज कर जो सेल रे अच्छी से सेल को कौन कर ये क्षति पहुँचाइब तो कौ प्रकार क्षति पहुँचाइब ये व्हाइल प्रोपागेटिंग इटसेल्फ इन द होस्ट सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डैमेज द होस्ट सेल बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर टॉक्सिन माने कौन कौन विषाक्त पदार्थ कि विषाक्त केमिकल्स गुड़ी से कौन कर बाहर कर बाहर कर सारापर से माने कौन करेंगे होस्ट को डिस्ट्रॉय किंबा डैमेज करेंगे ये जो आम टॉक्सिन कहले टॉक्सिन आरफ टू टाइप्स टॉक्सिन है दुई प्रकार गोटे एक्सोटॉक्सिन्स गोटे एंडोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन आम क्या कौ दीज आर द टॉक्सिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज बाय द पाथोजेनिक बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन जो साइट रे बैक्टीरिया हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन करुछंती से मल्टीप्लिकेशन समय रे जो टॉक्सिन टा प्रोड्यूस हुए ताहा को हम एक्सोटॉक्सिन्स बोले कि कहू फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया टॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हमें जनरली कौन कौ एक्सोटॉक्सिन्स को आहुरी कौन बोली कह जाए प्रोटीन सिक्रेटेड बाय गो प्रोटीन सब्सटेंस बोली आम कहीपर जोटा कौटू बाहर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एवं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दुटा जाक एक्सोटॉक्सिन्स रो प्रोड्यूस करती एवं प्रोड्यूस कर सारापर ये कौन कै इन्फेक्शन आरंभ कै। नेक्स्ट है एंडोटॉक्सिन कौन दिज आर नॉट रिलीज्ड आउट बट इंस्टेड इच पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एलपीएस लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एंडोटॉक्सिन माने कौन कौन दिज आर नॉट रिलीज्ड ये माने बाहरती ना ये माने कौटी था बोल कि कौन सेल वॉल रे प्रेजेंट था कहार सेल वॉल रे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो
किंतु ग्राम पॉजिटिव एवं नेगेटिव बैक्टीरिया कौन तैयारी करती कौन बाहर करती एक्सोटॉक्सिन्स एमाने एंडोटॉक्सिन्स बाहर कर पारती ना एवं एंडोटॉक्सिनटा केवल गोटे बैक्टीरिया भितर थाए ताहेला कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तार कौ जगह थाए सेल वॉल रे प्रेजेंट थाए। फॉर एग्जांपल आम कौन देखु लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भितर एंडोटॉक्सिन थाए एवं एही एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करिबा द्वारा कौन होउछि इन्फेक्शन आरंभ होउछि। डैमेज ऑफ द होस्ट सेल इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू होस्ट इम्यून रिस्पोंस जेतेबेले होस्ट कौन हैला डैमेज हैला सेतेबेले कौन होउछि इम्यूनिटी रेस्पन्स र पॉसिबिलिटीटा कौन हो बढ़ी जाऊँ कि वीक हो जाऊँ बोल के पार्छू। प्रोग्रेसन और रिजोल्यूशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेसन और रिजोल्यूशन ऑफ द डिजीज कौन हो डिजीज़ मात्रा एवं कौन हम बढ़ इफ द पाथोजेन इज नॉट रिमूव्ड बाय इम्यूनिटी सिस्टम देन द डिजीज इज एस्टाब्लिश्ड इफ द पाथोजेन फेल्स टू मल्टीप्लाई देन देयर इज नो डिजीज। तो ये कौन हो डिजीज केत जेते पाथोजेनटा एंट्री कर सारापर आमर इम्यूनिटी सिस्टम जदि से पाथोजेन को किल कर पारना मारी पारना तेज से कौन हम डिजीजा एस्टाब्लीश हे बढ़ी एवं जदि द पाथोजेन फेल्स टू मल्टीप्लाय देन देयर इज नो डिजीज एवं जदि आमर जो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी से पाथोजेन को कौन करदे से किल्ड करदे मारदे तेज डिजीजटा आम शरीर में हो पार ना यु आम कौच कौन इम्यूनिटी सिस्टम रो मेकानिज्म इम्यूनिटी सिस्टम कौन इनफेक्टियस प्रोसेस रो मेकानिज्म बोल किए कौ ये स्टेज रे देख एंट्री इनटू द होस्ट सेकंड है एडियरेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थर्ड है इनवेशन ऑफ द होस्ट फोर्थ है प्रोपागेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोर्थ है डैमेज टू द होस्ट सेल एवं लास्ट स्टेज है प्रोग्रेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द डिजीज ये कौन है डिजीजटा कमिजी। देख ये गोटे डायग्राम देखी जो डायग्राम मध्यम दर्शाई जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमी कौन अटैक करुच्छे तो आम यही डायग्राम देख देखी ओराल और इनहेलेसन आम कौन कलु रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कला बॉडी भीतर को एंट्री कला एंट्री कर सारापर ये कौन हम जो प्रक्रिया गुड़िक इन्फेक्शन आरंभ हम एवं इन्फेक्शन आरंभ हो गले कौन कौ इनफेक्टियस बोल के आम कौ यहाँ कौन है इनफेक्शनटा देखा मिलला जो थे कौन हो वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन बोल के आम कही पार्छू। तो ये प्रोसेस रे कौन होची इन्फेक्शन देखा मिलूँ तार केते गुड़े क्वेश्चन अच्छी देखो व्हाट आर पाथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन पाथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पाथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम क्या कौ जो ऑर्गेनिज्म माने जनरली कौन करती रोग व्याधि सृष्टि करती से पाथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कहती एवं हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन पाथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमाने किपरि नॉन पाथो रोग सृष्टि करू नथिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक ठारु कौ कौ हिसाब से अलग ताकू एक्सप्लेन कर बोलिक कहूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू राइट एन एसे ऑन होस्ट पारासाइट रिलेशनशिप। होस्ट पारासाइट मान कौ एटा हूँ गोटे नॉर्मल बॉडी जो नॉर्मल बॉडी रे गोटे परजीवी आसिक रही ता भितरे कौन कर रिलेशन दियो बोलिक कहूँ क्या क्या भितर रिलेशन होस्ट एवं पारासाइट भितर एमें कौन कौ पारासाइट परजीवी एवं गोटे सुस्थ शरीर भितर रिलेशनशिप कौन कर भितरे सामंजस्य दर्शाओ बोल कि कहूँ। व्हाट इज इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या कहुए बोली कौन गिव इन डिटेल अकाउंट ऑफ मेकानिज्म ऑफ द इन्फेक्टियस प्रोसेस ए प्रोसेस जहाँ पढ़ेली सबूक दर्शेवाक पड़ो। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट पाथोजेन्स पारासाइट पाथोजेनेसिटी वायरुलेंस होस्ट इन्फेक्शन इन्वेशन एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स इन्फेक्टिविटी दीज आर द शॉर्ट नोट्स व्हिच आर कम्स इन द जीएनएम बुझेगा। यहाँ थी आम क्लासेस जो थे आम कौन कले मेकानिज्म ऑफ इन्फेक्शन को एक्सप्लेन कले।